पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में ईद मिलन समारोह में पहुंचे राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम ने मुसलमानों से अपील की है कि वो किसी की बातों में आकर गुमराह ना हो। सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि प्रदेश में हो या देश, हमारी पार्टी का एक ही मकसद रहता है, सब लोग एक साथ बिना भेदभाव के एकजुट होकर रहे। लोग गुमराह कर देते हैं, हमारी कम्युनिटी के लोगों को उस गुमराही से निकालने की मैंने एक कोशिश की है। मुरादाबाद के महाराजा अग्रसेन डिग्री कॉलेज में आयोजित ईद मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सैयद जफर इस्लाम शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद में दो काम से आया था, एक तो काम ये है कि यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई थी। मैंने अपनी पार्टी के नेतृत्व के तौर पर जिलाध्यक्ष पार्टी के साथ गया, पीड़ित परिवार से मिलने गया, उनको महसूस और एहसास दिलाने के लिए कि पार्टी और सरकार उनके साथ ऐसे दुख के समय में खड़ी है। ये जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसको दिए हुए मुश्किल से 7-8 महीने हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं 7-8 महीने में 40-50 बार तो यहाँ जरूर आ चुका हूँ। लेकिन ऐसा मौका जो जिसकी मुझे तलाश थी, उसमें डीएम साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका प्रदान किया, नूरुद्दीन साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका प्रदान किया कि आप लोगों से मिलकर बातें कर पाऊँ। इसलिए कि जाहिर है विकास के काम के लिए शायद फर्दर मुलाकात नहीं होती, लेकिन ऐसे मौके जब आते हैं, जब जहाँ पर ईद के जैसे, बकरीद के जैसे या और ऐसे कोई मजहबी जो होली हो या ऐसा कोई भी प्रोग्राम हो जहाँ एक दूसरे से मिले, सभी समाज के सभी लोग आए, और जैसा सभी जितने लोग यहाँ बात कर रहे थे सभी ने कहा कि एक गुलदस्ते की तरह, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अमन चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं मिला मुझे मिला जो अमन ना चाहता हो। जब मैं अभी गया तो उस मोहल्ले में ठाकुर द्वारा में, तो उस गांव के अंदर जब गया तो मुझे ऐसा मुझे मस्जिद भी देखी, मुझे वहां पर बगल में उसके सामने उस बच्चे की मौत हुई है, और वहां पर मुझे हर मजहब के लोग देखे और सबके आंखों में आंसू था। तो उससे क्या समझ में आता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है और इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। और मुझे इस बात को बार बार इस बात को दोहराना पड़ेगा कि मुझे जब जिम्मेदारी दी गई है तो ये जिम्मेदारी बिल्कुल सोची समझी तौर से दी गई कि मुझे यहाँ पर अमन विकास के साथ साथ हमें आप लोगों से भी जुड़ना है, लोगों से जुड़ना है। और अमन का जो पैगाम है हमारे वजीर आजम का, हमारे वजीर आला का और हमारे दीगर जो बड़े लीडरशिप का है, उसको आप तक पहुँचाने में हम कामयाब हुए। लोगों का हर ऐसे प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुहार करूँगा कि अमन कायम रहे, यह चैती का माहौल रहे, सब एक दूसरे के साथ पुरसकून हालात में रहें, जितनी विकास की गाड़ी तेजी से उस वक्त चल सकती है जब अमन का माहौल हो। और जिस तरह से आप लोगों ने इसका मुजाहरा किया है पिछले कुछ दिनों में, और ख़ास के ऐसे मौके जहां पर अक्सर थोड़ी बहुत बदगुमानियाँ हो जाती है, गलतफहमियाँ फैल जाती है, लोग गलत गुमराह करने लगते हैं, वैसे मौके पर आपने कलमंदी का जो मुतालबा होता है उसको पूरे तौर से आपने पूरा किया, और कहीं भी जो लोग गुमान होते हैं उससे बचने की कोशिश की, और इसके लिए मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ के प्रशासन का भी शुक्रगुजार हूँ, SSP साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, उनसे मेरी पहली मुलाकात है आज। इससे पहले जो SSP थे उनसे मैं WG उनसे मेरे अक्सर बातें होती थी, और यही हमारा इंस्ट्रक्शन उनको रहता था कि बिल्कुल अमन कायम करके रखना है, ये हमारे हमारे लीडरशिप का जो पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।